हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर 6 कर रहे थे, दैट इज लाइफ प्रोसेस। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 14 है। इसके पिछले वीडियो में मैंने अभी तक आप लोगों को समझा दिया था दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग। हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़े थे, रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में भी, और उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को दैट इज व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, और मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी समझा दिया था। ठीक है, तो अगर आपको सारा कंसेप्ट इस चैप्टर का अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, मैंने इस चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी तक हम लोग क्लास 10 साइंस का मैंने आप लोगों को चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 10 और चैप्टर दैट इज 6, इन सभी चैप्टर का जितना भी दैट इज टॉपिक था उसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको सारा टॉपिक और चैप्टर 10 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो अगर आपको सारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, और इन सभी चैप्टर जो कि चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 10 है, उन सबका प्लेलिस्ट बना के मैंने अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अच्छा क्लास। यहाँ पे आप लोग सीखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था ह्यूमन बींग में ट्रांसपोर्टेशन दैट इज ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, फूड का ट्रांसपोर्टेशन ये कैसे होता है, वो मैंने आप लोग को इसके पिछले वीडियो लेक्चर में समझा दिया था। इवन मैंने आप लोग को ब्लड के बारे में बताया था। ठीक है, और उसी के साथ साथ ब्लड वेसल क्या काम करता है वो भी बताया था। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं प्लांट्स का बात करूं, ठीक है, तो प्लांट्स जो होता है उनको प्लांट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपना फूड मेटेरियल्स हो, ठीक है, प्लांट्स में चाहे वो फूड मेटेरियल्स हो, ठीक है, फूड हो चाहे गैसेस हो, दैट इज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कंडक्टिंग मटेरियल चाहिए। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरा जगह भेजने के लिए क्या चाहिए होता है, कंडक्टिंग मटेरियल। इन द सेम वे यहाँ पे प्लांट को फूड को भेजने के लिए, फूड आप लोग जानते हैं प्लांट्स में कहाँ पे बनता है, लीव्स में, थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो वो फूड जो लीव से बनता है वो रूट्स तक कैसे जाता है, ठीक है, वो स्टेम तक कैसे जाता है, प्लांट्स का हर एक बॉडी पार्ट में कैसे जाता है, तो याद रखिएगा ये सारा जो फूड बनता है लीव्स में वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, इवन जो वाटर होता है प्लांट्स वाटर कहां से लेता है, थ्रू रूट्स लेता है, सोयल से लेता है। ठीक है, तो प्लांट्स अगर रूट से लेता है, ठीक है, तो सपोज ये प्लांट्स हो गया, ठीक है, और ये रूट्स हो गया सपोज, और ये सोयल हो गया, तो यहां पे प्लांट्स ने क्या किया, यहां से वाटर लिया और वाटर को लेने के बाद में, ठीक है, वो ऊपर की तरफ क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, तो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, वो करता है दैट इज थ्रू कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, तो यहां पे दैट मीन्स कंडक्टिंग टिश्यू जो है वो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जो कंडक्टिंग टिश्यू जो है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, इसीलिए जो प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, इनमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंडक्टिंग टिश्यू चाहिए होता है। ठीक है, और मैंने आप लोग को ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स या ह्यूमन बींग में समझाया था, ब्लड सारा काम करता है हमारे अंदर, फूड को ट्रांसपोर्ट करना, दैट इज वेस्ट मेटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, सब ब्लड करता है, लेकिन किसके थ्रू करता है, किसके थ्रू एक जगह से दूसरे जगह में जाता है, थ्रू ब्लड वेसल। इन द सेम वे प्लांट्स का जितना भी फूड हो गया, गैसेस हो गया, ये प्लांट्स के अंदर किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, थ्रू कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, अब बात करते हैं तो कंडक्टिंग टिश्यू है क्या, तो मैंने अभी आपको समझाया टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट्स विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटेरियल फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर आर नोन एज कंडक्टिंग टिश्यू।
ठीक है, जो क्या करता है वो टिश्यू जो कि क्या करेगा फूड को, या ट्रांसपोर्टेशन जो मेटेरियल होता है ट्रांसपोर्टेड मेटेरियल, जैसे फूड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, या वाटर हो गया, उसको जो ट्रांसपोर्ट करता है उस टिश्यू को बोलते हैं हम लोग कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, अब ये कंडक्टिंग टिश्यू जो होता है दो टाइप का होता है, ठीक है, एक होता है जाइलम टिश्यू, एक होता है फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, हम लोग जानते हैं प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वो कहां से लेता है, सराउंडिंग से। क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वो सराउंडिंग से जो भी चीज होगा, इवन हम लोग भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो प्लांट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेता है, सराउंडिंग से। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड लिया प्लांट्स को, प्लांट्स जो होता है वो एक टाइप का ऑटोट्रॉप से, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, जो कि खाना खुद बनाता है। तो खुद खाना बनाने के लिए इंग्रेडिएंट चाहिए, और वो क्या क्या इंग्रेडिएंट है, वो इंग्रेडिएंट है जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, ठीक है, ये सब सारा क्या है, दैट इज इंग्रेडिएंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट। ये प्लांट को अगर ये कंटिन्यूअसली मिला तो प्लांट क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और तो यहां पे CO2 है, बचा वाटर, ये वाटर कहां से लेगा, वाटर लेगा आपका रूट से, रूट के थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू, थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस। इवन प्लांट जब CO2 लेता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है, मैंने डिफ्यूजन प्रोसेस समझा दिया है इसके पिछले वीडियो लेक्चर में, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, उसको मैंने डिटेल में समझाया। डिफ्यूजन मतलब क्या था, अगर कोई भी गैस का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाए, जैसे मान लीजिए प्लांट्स के अंदर CO2 का कंसेंट्रेशन कम है, मतलब CO2 बहुत कम मात्रा में, तो क्या करेगा, सराउंडिंग से खींच लेगा। इस प्रोसेस को जब हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में कोई भी चीज ट्रेवल करता है उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो इन द सेम वे प्लांट्स के अंदर वाटर का कमी होगा तो क्या होगा, वो सोयल से जितना भी वाटर है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या करेगा, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में वाटर ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्लांट्स रूट से क्या ले लिया, वाटर ले लिया, सराउंडिंग से क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, और सनलाइट बचा। अब सनलाइट कहां से लेगा, सन से, ये हो गया सबको सन, तो सन से क्या ले लिया उसने, सनलाइट ले लिया। अब ये तीनों चीज को कंबाइन करके प्लांट्स क्या करता है, फिर बैक्टीरिया भी होता है सोयल के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ठीक है, तो यहां पे ये सारा इंग्रीडियंट मिला के प्लांट क्या करता है, प्रोसेस करता है, दैट इज फोटोसिंथेसिस, प्लांट खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। अब जब उसने फूड को प्रिपेयर कर लिया, सपोज कीजिए कि यहां पे फूड आ गया, ठीक है, अब ये फूड क्या होता है, एकदम ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, एकदम सिंपल शुगर। ठीक है, अब ये सवाल ये है कि पत्ता में ही रहेगा प्लांट का कि पूरा बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, और इसी के साथ साथ सिर्फ शुगर ही प्रोड्यूस नहीं होता है, साथ ही साथ वाटर भी प्रोड्यूस होता है, वेस्ट वाटर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे प्लांट्स क्या करता है, ये जो वेस्ट वाटर है, ये जो वेस्ट वाटर जो खाना बनाने के बाद बच गया, ठीक है, वो वेस्ट वाटर को रिमूव कर देता है, जिसको हम लोग बोलते प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या होता है, आप लोग जब पहाड़ इलाका में जाओगे तो वहां पे बहुत सारा प्लांट्स होंगे और उसका लीव से क्या निकलता होगा, वेपर निकलता होगा, एक्चुअली वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस कर रहा होगा प्लांट्स का। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो भी वेस्ट मेटल, जो भी वेस्ट वाटर होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, आफ्टर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, वो क्या होता है, वो भाप बन के उड़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लीव, दिस प्रोसेस नोन एज ट्रांसपीरेशन, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे वाटर रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव सर्फेस, लीव्स का सर्फेस है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, अच्छा वाटर तो रिमूव हो गया, लेकिन बच्चा अब ये फूड जो है, फूड जो हमारे लीव्स में प्रेजेंट है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, पूरा बॉडी पार्ट में। ठीक है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये टिश्यू का, ये टिश्यू क्या करता है, हेल्प करता है। ये फ्लोएम टिश्यू जो है, ये फ्लोएम टिश्यू क्या करेगा, जितना भी फूड होगा उसको लोकेट करना स्टार्ट कर देगा, लोकेट मतलब हर एक सेल को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा, प्लांट में जितने भी सेल होंगे
वो सभी सेल को वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट करके फिर क्या होगा, उस प्रोसेस को जब क्या हो, फ्लोएम टिश्यू जब फूड को जब ट्रांसपोर्ट करता है हर एक प्लांट का बॉडी पार्ट में, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, जो कि मैंने डेफिनेशन लिखा है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स, कहां से, लीव से टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जितना भी पार्ट है प्लांट्स का सभी पार्ट में, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब यहां पे मैंने बताया कि कंडक्टिव टिश्यू जो होता है दो टाइप्स का होता है, पहला जाइलम टिश्यू, आप लोग याद रखें, इसका मेन पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद बना के लिखना है। तो यहां पर क्या है, जाइलम टिश्यू, इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जाइलम टिश्यू हमेशा याद रखिएगा, यहां से फूड से निकल के लीव्स तक पहुंचाने वाला वाटर, वाटर को पहुंचाने वाला लीव्स से निकल, दैट इज रूट से निकल के लीव्स तक पहुंचाने वाला वो कौन सा टिश्यू होगा, जाइलम टिश्यू। हमेशा याद रखिएगा, ये जाइलम टिश्यू हमेशा वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और मिनरल्स को, कुछ कुछ मिनरल्स सही होता है, ठीक है, उसको भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाइलम टिश्यू हेल्प करता है। ठीक है, तो जितना भी प्लांट्स को वाटर चाहिए या मिनरल्स चाहिए, उसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, जाइलम टिश्यू। ठीक है, ये टिश्यू के थ्रू क्या होगा, वाटर चला जाएगा, ठीक है, हर एक लीव्स में प्लांट्स का। अब नेक्स्ट है फ्लोएम टिश्यू, इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई बोले, कोई पूछेगा एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है, जाइलम ट्रांसपोर्ट फूड और सॉरी जाइलम ट्रांसपोर्ट फूड नहीं, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट वाटर फूड। ठीक है, तो फ्लोएम क्या करेगा, जितना भी फूड बना होगा प्लांट में उसको ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। इवन फूड को तो ट्रांसपोर्ट करता ही है, साथ ही साथ और एक चीज करता है, ये जितना भी ये रूटी बोलते हैं, ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, रूटी। ठीक है, और ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं सूटी, सूटी। ठीक है, और रूटी और सूटी में जितना भी हॉर्मोन्स बनते हैं, आप लोग इसका बहुत पहले मतलब वीडियो लेक्चर नंबर 84 में मैंने आपको को समझाया था कि यहाँ पे प्लांट्स के अंदर में भी हॉर्मोन पाए जाते हैं। ठीक है, इवन मैं आप लोगों को चैप्टर 7 में भी समझाऊंगा, प्लांट्स के अंदर हॉर्मोन दैट इज ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन, ये सब हॉर्मोन है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ठीक है, कोई क्या करता है, ग्रोथ को रोकता है, चैप्टर 7 में मिलेगा, आप लोग देखना हो वीडियो लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे रूटिप और सूटिप में, ठीक है, जैसे हमारे अंदर हॉर्मोन है वैसे प्लांट्स के अंदर भी हॉर्मोन प्रोड्यूस होते हैं, वो हॉर्मोन को ट्रांसपोर्ट करने वाला कौन है, दैट इज फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, ये फ्लोएम टिश्यू क्या करता है, हॉर्मोन को भी ट्रांसपोर्ट करता है और इवन फूड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को समझाऊंगा दैट इज ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के बारे में, वो तो समझा दिया ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, बस इसका मैं डेफिनेशन लिखा दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग सीखते हैं दैट इज ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होता है। तो यहां पे मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट्स जब फूड को प्रिपेयर कर लेता है, ठीक है, तो जब फूड प्रिपेयर कर लेता है तो कुछ वेस्ट वाटर बच जाता है। ठीक है, तो उसको रिमूव करना, उसको जो रिमूव करता है प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जब वाटर रिमूव हो जाए, ठीक है, द रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लीफ, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, और यहाँ पे ये हमेशा याद रखिएगा, काम पे लीव्स का सर्फेस में होता है। ठीक है, इवन और एक बात यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि स्टोमाटा, प्लांट्स के अंदर स्टोमाटा भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्टोमाटा क्या करता है, आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, स्टोमाटा बोल सकते हैं छोटा छोटा टाइनी पोर्स होता है लीव्स में। ठीक है, ये जो स्टोमाटा होता है ये टाइनी पोर्स होता है, टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स, जो कि क्या करता है, वो ट्रांस जो कि गैसेस जो होता है उसको एक्सचेंज करने के लिए हेल्प करता है।
ठीक है। तो ये टाइनी पोर्स होता है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है और ये करता क्या है, इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैस। ये गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए ये क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो ये था दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो एक बार समरी कर देता हूं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में हम लोग क्या सीखे, यहाँ पे प्लांट्स जो है अपना फूड को प्रिपेयर करता है इन द लीव्स, ठीक है। और वो लीव्स में फूड को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या मेटेरियल चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका सराउंडिंग से लेता है, ठीक है, और वाटर जो होता है रूट्स के थ्रू लीव्स तक जाता है, ठीक है, और सनलाइट जो होता है वो सन से प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेता है। अब वो सारा चीज मिला के प्लांट्स अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और जब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सिर्फ ये प्लांट्स ही नहीं करते, इवन कोई बैक्टीरिया भी, बहुत सारा बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है, एल्गी भी होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और एक बात यहां पे और एक चीज याद रखिएगा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल भी होना चाहिए। क्लोरोफिल एक टाइप का ग्रीन पिगमेंट है जो जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है, ये क्लोरोफिल भी चाहिए प्लांट्स को। अब यहां पे जब खाना बन गया, अब खाना बनने के बाद ये लीव से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बॉडी में कैसे जाएगा, थ्रू कंडक्टिव टिश्यू। वो फूड को ट्रांसपोर्ट करने वाला कौन था, दैट इज फ्लोएम टिश्यू। वो फ्लोएम टिश्यू क्या करेगा, जितना भी फूड होगा लीव्स में उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा हर एक बॉडी पार्ट में प्लांट्स का, ठीक है। अब इतना करने के बाद रहा बात वाटर, प्लांट्स जो है वाटर को हर एक बॉडी पार्ट में कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, या मिनरल्स को थ्रू जाइलम टिश्यू, ठीक है। वो दोनों टिश्यू क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते प्लांट्स का, ठीक है। और फिर मैंने समझाया दैट इज स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या है, एक टाइप का टाइनी पोर्स होता है लीव्स के अंदर जो कि क्या करता है, वो गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। फिर मैंने ये भी समझाया आप लोगों को ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होता है, जब वेस्ट वाटर लीव्स का सरफेस से रिमूव हो जाए इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। फिर मैंने आप लोगों को ट्रांसलोकेशन भी समझाया, जब फ्लोएम क्या करता है, फूड को हर एक बॉडी पार्ट में प्लांट्स का सप्लाई करता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो आई होप आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, और एक्सक्रीशन इन एनिमल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, चलो ठीक है।